नमस्कार दोस्तों, असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2021 को लेकर एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस वैकेंसी में कितनी वैकेंसी और बढ़ सकती है। आखिर दोस्तों इसको लेकर मैंने पूरा नोटिफिकेशन को ध्यान से देखा, उसके अलावा अलग अलग जगहों से यहाँ पर जानकारी जुटाई, उसके बाद में दोस्तों पता चला कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है और ऐसा दोस्तों साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि लंबे समय के बाद वैकेंसी आई है, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी वो भी लगभग 1000 से 1200 पदों पर थी, लेकिन इस बार जो रिक्रूटमेंट आया वो काफी लंबे समय के इंतजार और लंबे समय के डिले होने के बाद में आया। तो ऐसे में काफी ज्यादा वैकेंसीज ट्रेड्समैन पोस्ट की खाली पड़ी है। ऐसे में क्या असम राइफल की वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, इसको लेकर नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, तो पूरी जानकारी विद पूर्व बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो फिजिकल सेंटर से ही पहले ही आपको बाहर कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं, अगर आप भी एसएसजीडी कांस्टेबल और असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं तो चाक्षु पब्लिकेशन की तरफ से 3 बहुत ही अच्छी गाइड आ चुकी है दोस्तों। एक आपको बुक मिलेगी जिसमें टोटल 53 पारियों के सोलोड पेपर, वो भी विद आंसर की और सोल्यूशन के साथ में। साथ ही दूसरी बुक है जो कि एक संपूर्ण गाइड होगी, जो कि एसएसजीडी और असम राइफल को पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करेगी अलग अलग टॉपिक वाइज। 2800 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 2 आपको सोलोड पेपर, उसके अलावा एक आपकी एसएसजीडी कांस्टेबल और असम राइफल का प्रैक्टिस वर्क बुक भी आ चुका है विद दोस्तों यहाँ पर 8 सोलोड पेपर के साथ में। साथ ही 3200 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले। खास बात यह कि दोस्तों तीनों ही बुक आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, साथ ही अगर आप इन्हें ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तीनों का अलग अलग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और अपने घर पे मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी ट्रेड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होगी और इन डॉक्यूमेंटों को जब आप भर्ती स्थल पर जाओगे उससे पहले आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नहीं तो दोस्तों उतनी दूर आप फिजिकल के लिए जाओगे लेकिन आपको गेट से ही बाहर कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा गया है कि फिजिकल में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपने ट्रेड पुल एवं सड़क दोनों के लिए ट्रेड के लिए अप्लाई किया है जिसमें आपकी पोस्ट नायक सूबेदार रहने वाली है और यहाँ पर दोस्तों आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तभी दोस्तों साथ में आपके पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए पुल और सड़क का। उसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट ट्रेड लिपिक के लिए अप्लाई किए हैं हवलदार के लिए, वो केवल 12वीं पास होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें निजी साइक के लिए, अगर बात करें वारंट ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर आप 10+2 पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर बात करें ट्रेड इलेक्ट्रिशियन फिटर, उसके साथ ही लाइनमैन फील्ड, उसके साथ ही इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल है, उसके अलावा आपकी जो वैकेंसीज है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, उपहोस्टर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सर्वेक्षक, इन सभी के लिए 10वीं पास के साथ में ITI का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप फार्मिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए। वही बात करें ट्रेड एक्सरे के, उसके साथ ही वेटनरी फील्ड साइक, इन सभी के लिए आपके पास में दोस्तों वेटनरी का डिप्लोमा, उसके अलावा साथ में एक्सरे का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप केवल 10वीं पास होना चाहिए। ट्रेड उसके साथ ही रसोईया, मसालसी और पुरुष, इन सभी के लिए पुरुष जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए केवल और केवल 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ में दोस्तों आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल डोमिसाइल सर्टिफिकेट से मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं वो आपके पास में होना चाहिए, बिल्कुल PRC जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट केवल SC ST और OBC के लिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथोराइज्ड होना चाहिए। उसके साथ में आपके पास में 10th की मार्कशीट सभी पोस्टों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप स्पोर्ट्स धारक हैं, अगर आप एनसीसी धारक हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ही चाहिए, साथ ही एक आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या लाइसेंस में से एक आईडी आपके पास में होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। बिल्कुल दोस्तों, साफ साफ एक पॉइंट आपको मिल जाएगा जो कि असम राइफल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाया गया है, और ये पॉइंट नंबर 30 में आप देख लीजिएगा, जो आपकी वैकेंसीज है वो प्रयोगात्मक है और बढ़ाई भी जा सकती है। रिक्तियां जो अधिसूचित है भिन्नता के अधीन है और विभाग बिना कोई कारण बताए इस विज्ञापन में बदलाव या रद्द करने का अधिकार रखता है। मतलब दोस्तों, यहां पर इस वैकेंसी को जो असम राइफल है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, मतलब वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो ये तो होगा नहीं कि वैकेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम तो किसी भी प्रकार से नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ऐसा पहले भी बहुत बार आपने देखा होगा। बिल्कुल दोस्तों, और इन्होंने कहा कि जब भी हम वैकेंसी इंक्रीज करेंगे आपको एक नोटिस जारी करके आपको उससे पहले जानकारी बताई जाएगी कि इतनी वैकेंसी इन के लिए बढ़ाई गई है। तो बिल्कुल दोस्तों, फिजिकल के साथ तक वैकेंसी बढ़ सकती है। आपने देखा होगा एसएससीजीडी 2018, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सभी में वैकेंसी जब इनका रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया था, 12 गुना कैंडिडेटों को रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर दिया था, उनका फिजिकल भी हो चुका था, फिजिकल में भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके थे, उसके बाद में दोस्तों 10,000 वैकेंसी बढ़ाई गई थी एसएससीजीडी में, जबकि फाइनल मेरिट लिस्ट और मेडिकल से पहले ये 10,000 वैकेंसी बढ़ाई गई थी। तो हो सकता है दोस्तों आपकी वैकेंसी भी असम राइफल की तरफ से इंक्रीज की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले वाला जो रिक्रूटमेंट था वो भी लगभग 1000 से 1200 पदों का था, लेकिन इतने लंबे समय के इंतजार के बाद में जो रिक्रूटमेंट आया वो केवल 1200 पदों का है। और अगर पोस्टों की बात करें तो पोस्टें काफ़ी ज़्यादा है, अगर टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कम से कम 20 से 22 आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाएगी। वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज ही रहने वाली है, और जिस स्टेट से आप हम अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो आपका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी आप उस राज्य की फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाओगे। नहीं तो दोस्तों, आप फिजिकल पास होते हुए भी आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो इन खास बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पूरी जानकारी आप डिटेल से देखना चाहते हैं, साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये पीडीएफ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट नोटिस आता है या फिर रिक्रूटमेंट आता है, एडमिट कार्ड आती है, आंसर की आती है, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल पाती है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।